नासा की अगली पीढ़ी के रोमन टेलीस्कोप ने अपने डिजाइन टेस्ट को पास कर लिया है। इसे हबल टेलीस्कोप की मां भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप से काफी उम्मीदें हैं। नासा ने इस वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को नासा की पहली मुख्य खगोलविद नैन्सी ग्रेस रोमन का नाम दिया है। गोडार्ड में रोम स्पेस टेलीस्कोप के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जैकी टाउनसेंड ने बताया, इसे मई 2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा। रोमन टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तरह इंफ्रारेड विभेद प्रदान करेगा, लेकिन यह हबल से 200 गुना ज्यादा कॉस्मिक सर्वे करेगा, जिसे पूरा करने में हबल को 200 साल का समय लगेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप अभियान के दौरान बहुत सारे ग्रहों की भी खोज करेगा।